मगरमच्छ के जबड़े इतने मजबूत होते हैं कि एक बार अगर कोई इनके जबड़े के बीच में फंस जाए तो मगरमच्छ उसे अपना शिकार बनाए बिना नहीं छोड़ता। लेकिन इजिप्टियन प्लोवर एक ऐसा पक्षी है जो मगरमच्छ के मुंह के अंदर चला जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। लेकिन इसके बावजूद मगरमच्छ उसे खाता नहीं। ऐसा इसलिए होता है कि मगरमच्छ के दांतों में फंसे हुए खाने को इजिप्टियन प्लोवर मगरमच्छ के मुंह में जाकर मगरमच्छ के दांतों से निकालकर खाता है, जिससे मगरमच्छ के दांत साफ हो जाते हैं और इस पक्षी को खाने मिल जाता है। इससे मगरमच्छ और पक्षी दोनों का फायदा होता है। इस तरह दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं, इसलिए मगरमच्छ कभी भी इजिप्टियन प्लोवर को नहीं खाता। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो वीडियोस को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।